हेलो फ्रेंड्स। तो आज आप सभी कहीं ना कहीं एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर आपको एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के अंदर बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन बाय करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बजट नहीं रखना पड़ता। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर मैं बात करूँ इंडिया की, भारत की, अपने की, तो यहाँ पर लगभग 70 करोड़ के लगभग मोबाइल यूज़र्स हैं, जिनमें से 70-80% लोग एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग कंपनियों का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं, उनके सामने एक प्रॉब्लम हमेशा आती है और ये प्रॉब्लम है मोबाइल स्लो होना। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप एक नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो वो कुछ महीने तो वो सही चलेगा, लेकिन बाद में 2-4 महीने या 5 महीने बाद उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स या फिर कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसके जरिए अगर आपका फ़ोन स्लो हो गया है तो उसको आप पहले जैसी परफॉर्मेंस पर ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे पहला काम आपको करना होता है वो होता है कि आपके मोबाइल में जितने भी ऐसे अनयूज्ड एप्लीकेशंस हैं जिनको आप इस्तेमाल नहीं करते, उनको आपको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो एप्लीकेशंस होते हैं ये आपकी कहीं ना कहीं प्रोसेसर को कंज्यूम करते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आपकी जो मेमोरी होती है उसको कंज्यूम करते हैं और इनकी वजह से आपकी जो मोबाइल की परफॉर्मेंस होती है वो भी कहीं ना कहीं डाउन होती है। तो इसी वजह से आपको आपके जो कह सकते हैं बिना यूज़ वाले एप्लीकेशन से उनको आपको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारी दूसरी बात पर। तो ये है कि आप जितने भी आप कह सकते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, फिर चाहे आप सोशल मीडिया ले लीजिए, यहाँ पर आप फेसबुक ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, यहाँ पर आप क्रोम ब्राउज़र जो ब्राउजिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इन सभी के फ्रेंड्स कहीं ना कहीं लाइट वर्जन आते हैं और आपको कह सकते हैं लाइट वर्जन्स का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपका मोबाइल फ़ोन स्लो चलता है। अब लाइट वर्जन यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि वो कम से कम प्रोसेसिंग करते हैं, कम से कम आपकी मेमोरी को कंज्यूम करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये थी मेरी दूसरी टिप। अब बात करते हैं हमारी तीसरी बात पर। तो वो ये है कि आप अपनी होम स्क्रीन को किस तरह रखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको शौक होता है कि वो टाइम टू टाइम अपने वॉलपेपर्स को चेंज करते रहते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लाइव वॉलपेपर्स को लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप भी लाइव वॉलपेपर या फिर HD में वॉलपेपर्स लगाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट आपके मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर लाइव वॉलपेपर लगाने का बहुत सारे कह सकते हैं आपको नुकसान हो सकते हैं। एक तो आपकी बैटरी जल्दी ख़त्म होगी, दूसरा अगर वो लाइव वॉलपेपर है तो आपका कहीं ना कहीं प्रोसेसर भी उसमें लग जाता है। तो इस वजह से आपको जो लाइव वॉलपेपर्स आप लगाते हैं वो कहीं ना कहीं नहीं लगाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारी अगली बात है वो है फ़ोन अपडेट को लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आप सभी के फ़ोन में ऑप्शन होता है फ़ोन अपडेट, और आपके स्मार्टफोन के अंदर जो ऐप्स आते हैं उनको अपडेट रखना चाहिए। अब अपडेट क्यों रखना चाहिए? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कंपनीज हैं एप्लीकेशंस की वो कहीं ना कहीं अपडेट लाती रहती हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर कुछ बग्स आ जाते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि कहीं ना कहीं सही से काम नहीं करने देती उस एप्लीकेशन को, जिसकी वजह से आपका मोबाइल फ़ोन स्लो हो जाता है। तो ऐसे में आपको जो आपके स्मार्टफोन के अंदर एप्लीकेशंस हैं या फिर आपका जो एंड्रॉयड सिस्टम है उसको अपडेटेड रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारी कह सकते हैं लास्ट टिप है वो है रीसेटिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके पास फाइनली एक ऑप्शन बचता है इन सभी को करने के बाद, वो है आपका फ़ोन को आपको रीसेट करना। अब इस रीसेटिंग में क्या होगा, आपका जितना भी लोकल डाटा होता है, जैसे आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री हो गई, सर्च हिस्ट्री हो गई, ये सब कहीं ना कहीं डिलीट हो जाती है और आपके मोबाइल के अंदर जो भी अनवांटेड वायरस होता है या फिर कोई भी डेटा जिसको आप यूज़ नहीं करते वो कहीं ना कहीं डिलीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप एक बात का ज़रूर ख्याल रखें, वो ये है कि आपका जो नेसेसरी डेटा होता है उसका बैकअप आप ज़रूर ले लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये थी मेरी लास्ट टिप कि आप अपने फ़ोन को रीसेट करके उसको बिल्कुल नया बना सकते हैं जैसा आप उसे फर्स्ट डे लाए थे और आपने उसको यूज़ किया था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो 5 टिप्स मैंने आपको बताई हैं इनको आप फॉलो करेंगे और इनसे कहीं ना कहीं आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस में इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं आप उनको मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।